हे गाइस, वेलकम टू अपुन का लाइफस्टाइल हैशटैग एम्प्रेजा गेमिंग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस हम रिव्यू देने वाले गाइस स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर का रिएक्शन प्लस रिव्यू भी करेंगे गाइस। और यार, इस टीजर का जो हाइप था यार, क्या बताऊं यार, क्या क्या थ्योरीज बनी थी, क्या क्या चीजें हुई थी। आज मैंने जैसा सुना है कि ये लीक हो गया था, आई थिंक सो, जैसा मैंने सुना है लीक हो गया था, इसलिए सोनी पिक्चर्स ने आज सुबह सुबह इस टीजर को कर दिया है रिलीज। और गाइस, हम करने वाले गाइस इसका रिव्यू। और गाइस, मैंने पहन रखी अपनी, देखो, स्पाइडरमैन की वाली, मतलब बोल सकते हो स्पाइडरमैन वाली ग्लो इन द डार्क टी शर्ट। मगर यार ये फुल स्लीव्स है और भाई एकदम ठंड वाले हैं यार, तो मेरे को जो पसीने आ रहे हैं ना भाई, वीडियो के पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, फुल स्लीव पहन के बैठा हूँ, उसके बाद ये चेंज करूँगा यार, बहुत गर्मी लग रही है इसमें लिटरली। तो गाइस चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं टीजर के रिएक्शन की तरफ। सो लेट्स गो। ये वाला सुनो, ये अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्कर मेल स्पाइडर्स की तरह फीमेल्स को हिप्नोटाइज कर सकता है। बस भी करो यार। जो हुक्म स्पाइडर लॉर्ड। एमजे हम दिन भर ऊपर नहीं रह सकते, नीचे बहुत पागलपन है। अब समझते क्यों नहीं, मैंने मिस्टीरो को नहीं मारा है, उसे ड्रोन्स ने मारा है। वो ड्रोन्स जो तुम्हारे थे। जो भी हुआ, क्या तुम उससे जरा भी खुश नहीं हो? क्या मतलब? सब सच जान चुके हैं तो अब तुम्हें ना लोगों से झूठ बोलने की जरूरत है, ना किसी से छुपने की। देखो, मैं तुमसे तो छुपाना नहीं चाहता था, पर दुनिया को कैसे कहता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ? अब तो सबको पता चल गया है। देखो, मुझे मेरी परवाह नहीं है, पर मेरे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि इसे ठीक कैसे करूँ। तो पीटर, आने की कोई खबर? डॉक्टर स्ट्रेंज, मैंने आपको डिस्टर्ब किया सर? ओह प्लीज, हमने आधी दुनिया को साथ में बचाया, अब सर मोड़कर शर्मिंदा मत कर। ओके स्टीवन, सुनने में अजीब लगा पर चलेगा। जब मिस्टीरियो ने मेरी पहचान से पर्दा हटाया तो मेरी पूरी जिंदगी न्यू वाली सूट थी ना वो। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये सब कभी हुआ ही ना हो? वो स्ट्रेंज, उस मंत्र को मत पढ़ना। गोंग, इसमें बहुत खतरा है। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते? ये मंत्र इस तरह काम नहीं करता। मतलब एमजे और मेरे भी जो कुछ भी हो सब कुछ भूल जाएगी? मंत्र से छेड़छाड़ करना बंद करो। प्लीज नेट को तो छोड़ दो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो आंट मे को तो अपना मुंह बंद रखो। ओ नहीं, कर दिया कांड। ओ भाई, सब भूल गए क्या? समय के साथ छेड़ खानी की है। मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बहुत कम। मल्टीवर्स, ओ भाई, तकलीफ तुम्हारी दो अलग जिंदगियां जीने में है। वो क्योंकि ऐसा करने से खतरा और बढ़ता जाएगा। ग्रीन गोब्लिन, कुछ भी मांगने से पहले सोच लेना चाहिए पार्कर। वो ग्रीन गॉब्लिन, ओ डॉक्टर ऑक्टोपस, वो पीटर, अब आएगा ना मजा। ये यार डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन 2 एंड अपना ऑल टाइम फेवरेट ग्रीन गॉब्लिन, क्योंकि यार कितने पुराने मेमोरीज है यार। मैं बचपन में यार कितनी बार मैंने स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3 देखे, सेम कास्ट वापस आ रही है यार। और गाइस बहुत मज़ा आने वाला है अगर गाइस टोबी मैग्वायर और एंड्रयू गारफील्ड, जो कि स्पाइडरमैन 1, 2, 3 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में काम किए थे, तब टोबी ने और एंड्रयू ने, तो गाइस अगर वो भी आ गए तो भाई मज़ा डबल। भाई मैं तो ये फिल्म थिएटर में जाके देखूंगा, अब तो बस मैंने ठान लिया है ये फिल्म थिएटर जाके देखूंगा। मजे आ गए भाई, मजे आ गए, कती मौज कर दी यार। डॉक्टर ऑक्टोपस और जो इविल लाफ है ग्रीन गॉब्लिन का, आ, 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 भाई मैं भी नहीं भाई पागल लग रहा हूँ मैं। मगर भाई वो जो लाफ थी, जो चिल्स आए ना भाई,
रोंगटे खड़े हो गए भाई, वैसे भी फुल स्लीव में, समझ सकते हो। और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ने हेलो पीटर जो बोला भाई, डॉक्टर ऑक्टोपस या स्पाइडरमैन 2 वाला भाई, सेम सेम बंदा। मजे आ गए भाई यार, मजे आ गए गाइस। अगर भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड है ये, आई थिंक सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड है। मल्टीवर्स डॉक्टर स्ट्रेंज अपने, वही बोलते हैं ना कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग या फिर वॉन्ग, तो उसे पुराना ही है, तो भाई उसने बताया था कि मत कर बेटा मत कर, नहीं हम तो नहीं, हम तो स्पाइडरमैन के साथ तो एवेंजर्स है ना, हम तो कुछ भी कर सकते। कल कल वाली बेइज्जती, हो गया कांड, आ गया ग्रीन गॉब्लिन में, फटेगी और क्या। तो ओवरऑल गाइस, ट्रेलर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और भाई मार्वल वालों क्यों तर पा रहे बता ही दो ना यार, एंड्रयू गारफील्ड है कि नहीं। कि यार मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में जो एंड्रयू गारफील्ड ने जो किया है भाई, मैं बहुत बड़ा फैन है। टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड को बहुत बहुत मिस किया यार मैंने। वो लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं है ना, आई थिंक सो, नहीं है इंस्टा पे नहीं है वो। एंड्रयू गारफील्ड वो ट्विटर पे है। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है गाइस, ये टीजर तो गाइस मज़ेदार है भाई, 5 out of 5, एक भी स्टार नहीं काटूंगा। मार्वल का फैन जो लोग हो यार, उनके लिए तो भाई ये टीजर जहर है भाई, जहर। मज़ा आ गया भाई कुछ भी बोलो, ब्लैक विडो से ज़्यादा एक्साइटमेंट है गाइस, कुछ भी कहो गाइस, ब्लैक विडो से ज़्यादा एक्साइटमेंट और भाई हाइप था मेरे को इसके लिए यार, भाई मज़ा आ जाएगा गाइस। अरे वो टोनी स्टार्क का जो जो था, क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी है गाइस, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी था, वो भी है गाइस। और भाई उसका रिएक्शन भाई, पूरी दुनिया वैसे स्पाइडरमैन के अगेंस्ट हो गई यार, दैट्स रियली सैड यार। वो मिस्टीरी एक नंबर का था वो, तब भी यार सब लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे हो यार, कभी तो अच्छाई के लिए करो। बेचारा स्पाइडरमैन की क्या गलती, और स्पाइडरमैन ने मारा तो सही मारा है ना, वो तो पागल है, वो पूरी दुनिया बर्बाद कर देता है, वो पागल है क्या। मिस्टीरियो तो गधा, एक नंबर का गधा है वो, स्पाइडरमैन पे आरोप कर गाइस। चलो एनीवेज गाइस, बहुत मजेदार लगा टीजर गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, बाय बाय।